बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट अपने साथी मोहम्मद अहमद रज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस बनती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों एफसी और रेंजर्स को चारों सूबों में स्मगलिंग रोकने के इख्तियारात दे दिए गए हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स भी स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम करेंगे। जब्त शुदा सामान की तफसीलात एफबीआर से शेयर की जाएंगी। कानून नाफज करने वाले अदारे 4 मई से इंसदादे स्मगलिंग अख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। वजारते कानून और एफबीआर के मुश्तरका इजलास में एंटी स्मगलिंग ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए कानून नाफज करने वाले अदारों को अहम टास्क सौंप दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एफसी जबकि पंजाब और सिंध में रेंजर्स को स्मगलिंग रोकने के इख्तियारात दिए गए हैं। वजारत कानून के ऑफिस बैरर के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स भी स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम करेगी और तमाम कानून नाफज करने वाले अदारे बॉर्डर के 5 किलोमीटर हदूद में अख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। कानून नाफज करने वाले अदारे 4 मई से इंसदादे स्मगलिंग अख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे जबकि जब्त शुदा सामान की तफसीलात एफबीआर के साथ शेयर की जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।